हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रंग बिरंगी इडली बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने अपने जो आजकल सब्जियां आ रही हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है जिसमें पालक चुकंदर सब्जियां आ रही हैं, उनसे मिलकर बनाया है, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने बच्चों को ही स्पेशल उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। देखिए, अब मैं इसके इन्ग्रीडियंट से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम्स सूजी ली है, सूजी मैंने बारीक वाली ली है। दही लिया है मैंने, 150 ग्राम दही होगा ये। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है जिससे मैं अपने इडली के मोल्ड जो हैं उनको ग्रीस करूँगी। ये मैंने पालक है, पालक के पत्तों को मैंने साफ़ करके और हल्का सा ब्लांच कर लिया है। इसको बस पानी गर्म करा, उसमें पालक के पत्ते डाल दिए, बस उसको निकाल करके और पीस लिया है। ये बीट रूट चुकंदर है जिसे मैंने छील करके टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में पीस लिया है और फिर इसको छान कर इसकी प्योरी बना ली है। रेड और ग्रीन कलर का इडली बनाएंगे और वाइट कलर की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सूजी में दही मिला लेती हूँ। मैंने सूजी में दही डाल लिया है, अब मैं इसमें नमक डालूँगी। अब हम इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लेंगे। अब इसमें मैं पानी मिलाती हूँ। पानी मिला के हम बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। थोड़ा सा हम इसमें पानी मिला लेंगे। अब इस बैटर को हम तीन भागों में बांट लेंगे। ये हमारा वाइट वाला मिक्सचर हो जाएगा और दो अलग भागों में रेड और ग्रीन भाग में बांट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे तीन भागों में बांट लिया है। एक भाग मैं इसको वाइट रख देती हूँ। अब इसमें मैं अपना प्यूरी बनाऊंगी, पालक की प्यूरी। धीरे धीरे मिलाएंगे हम पहले। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरी इडली का बैटर ग्रीन हो गया है। अब हम चुकंदर का बैटर मिलाएंगे अपनी इडली को लाल करने के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरा वाइट बैटर है, ये मेरा ग्रीन बैटर है और ये मेरा रेड बैटर है। अब हम इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाएंगे जिससे कि हमारे इडली का जो बैटर है वो फूल जाएगा। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे भी, 5-10 मिनट, ताकि जो इडली जो सूजी है हमारी वो फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है, तब तक मैंने अपना ये जो जिसमें बॉयल करूँगी इडली स्टैंड, मैंने गर्म करने को पानी भर के रख दिया है। अब मैं अपने मोल्ड्स में ऑयल लगा लूँगी। ये इडलियाँ देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और सबसे अच्छी बात है कि बीट रूट, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर में खून को बढ़ाता है और बच्चे जिसे देखकर, सबसे ज़्यादा बच्चे बड़े क्या सभी मुंह बनाते हैं, लेकिन इसको जब खा के या हमारे शरीर में बहुत पौष्टिक होता है ये हमारे शरीर के लिए। और पालक तो आप लोग सभी जानते हैं जिसमें विटामिन ए होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए मैंने ये ग्रीस करके रख दिए हैं। चलिए, मेरा बैटर तैयार हो गया। अब मैं इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालूंगी। इनो फ्रूट सॉल्ट की बजाय आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इनो सॉल्ट का प्रयोग किया है। दो पैकेट हमारे इतने बैटर में लग जाएंगे। जैसे ही हमें इडली बनानी हो, तुरंत फूलने के बाद हमें तुरंत ही डालना है। हम अपनी इडलियाँ मोल्ड में डाल देते हैं। ये मैंने अपने बैटर को इडली मोल्ड में भर लिया है। अब मैं इसको अपने स्टैंड में रख दूँगी, जो हल्का सा है, तब तक दूसरा बैटर। अब मैंने ये दूसरा मोल्ड भी भर लिया है अपना और मैंने अलग डिफरेंट तरीके से बनाया। देखिए कैसे बनती है इडली। आप 10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी। देखिए, अब ये मेरी इडली तैयार हो गई है और मैंने नाइफ़ में थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे निकाल लूँगी
और इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। जैसे ही निकाल के आप तुरंत मत लगाइए, नहीं तो ये मोल्ड में चिपक जाएंगे। इसको धीरे धीरे आप निकालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए कितनी स्पंजी बनी है मेरी इडली। ऐसे हम सारी इडलियाँ निकाल लेंगे। देखिए मेरी इडली तैयार हो गई है और ये आपने भी देखा है कितनी स्पंजी बनी है। और अब आपने ऐसी इडलियाँ बनाइए और सबको खिलाइए और इसे सांभर या चटनी के संग परोसिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे मैंने एक और आपको ट्विस्ट दिखाऊं कि मैंने एक और तरीके की इसी बैटर से इडली बनाई है, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इन तीनों बैटर को एक दूसरे के ऊपर, कभी किसी में रेड नीचे रखा है, किसी में ग्रीन नीचे रखा है, बैटर धीरे धीरे डाल करके इसको तैयार किया है। और देखिए ये मेरी इडलियाँ पक गई हैं और ये मैंने डाल के देख लिया है कि बिल्कुल भी पकी हुई हैं। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा भी है, गर्म है, थोड़ी ठंडा होने के बाद मैं इसे निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको ट्विस्ट के बारे में बताया था, देखिए मैंने ये तीनों बैटर को एक दूसरे के ऊपर रख करके कितनी सुंदर इडलियाँ लग रही हैं। आप ऐसे भी ट्राई कलर की इडली बना सकते हैं, देखिए कितनी स्पॉन्जी है और कितनी अच्छी लग रही है। बनाइए और सबको खिलाइए। आप फिर आप अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।